है। बस्ती जिले के खाजोला चौकी क्षेत्र में बुलेरो और ट्रक की टक्कर में भीषण हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और उसमें बुलेरो चला रहा एक जवान जख्मी भी हुआ है। घायल जवान को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दरअसल बस्ती जिले के छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की C-112 कंपनी के 4 जवानों की कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान में ड्यूटी लगी थी। गुरुवार की रात जवान बुलेरो से गोरखपुर की ओर जा रहे थे। खजोला चौकी अंतर्गत नरियायाव गांव के पास बुलेरो की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। वहां से गुजर रहे अन्य वाहनों के चालकों ने पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित किया। बुलेरो में सीआरपीएफ के 4 जवान मौजूद थे, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही ड्राइवर की सांसें चल रही थी, एम्बुलेंस से उन्हें तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। एसपी आशीष श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। उधर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों को इस हादसे के बारे में सूचित कर दिया है। अधिक अपडेट के साथ में बस्ती से सहयोगी सबलू खान इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सबलू, देखिए जो हादसा हुआ है, इसमें 3 सीआरपीएफ के जवानों की मौत हुई और विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी ड्यूटी जो थी वहां जा रहे थे। कितने बचे का ये हादसा और अब तक क्या कार्रवाई पुलिस कर पाई है, बताएं। जी मैम, आपको बताते चले की कप्तानगंज विधानसभा में जवानों की ड्यूटी लगी थी। देर रात बोलेरो से गोरखपुर के लिए रवाना हो रहे थे। हाईवे 28 चौराहे के पास ट्रक हादसे में आपस में दोनों भिड़ गए। भिड़ने की वजह से ये 3 की मौत हो गई मौके पर। एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया जी। और मौके पर आला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव मौके पे और अधिकारी पहुंचे। इसके अलावा जो घायल अभी जवान है, जो ड्राइवर बताए जा रहे थे उस गाड़ी के, उनकी क्या स्थिति है अभी? जी मैम, आपको बता दें कि उसका इलाज गंभीर मतलब गंभीर चल रहा है और उसको पता चला कि लखनऊ के लिए रवाना कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।